जाते हैं, जैसे 7 दिन के लिए 5,000 रुपए का लोन या 10,000 रुपए का लोन। जब जरूरतमंद लोग चीन के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उनके फोन का जो निजी डेटा है वो चोरी कर लिया जाता है। उसके बाद कर्ज लेने वालों से वसूली का धंधा शुरू कर दिया जाता है। लोन दिया गया 5 या 10 हजार का और लोन से बहुत ज्यादा रकम वसूली के लिए फोन आने लगते हैं। ये लोग पहले लोन लेने वालों को धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं। ऐसी ही कहानी दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की सामने आई है। I mean, they feel like contract killers. They are in the market to kill you. After my brother died, उसके फ्रेंड्स को जो हैरेसमेंट हो रहा था, जो मुझे हैरेसमेंट हो रहा था, मुझे मालूम है आई लॉस्ट माई ब्रदर। तो आपको छोटे दिन से पहुंचा हो जाएंगे, आपको हैरेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे। चाइनीज ऐप से सावधान। लोन के नाम पर जालसाजी, पहले लोन फिर बेइज्जती, कर्ज देने वाले कातिलों का पर्दाफाश। इंटरनेट पर लोन देने वाले चाइनीज लोन ऐप की भरमार है। चाइनीज लोन ऐप लोगों को एक झटके में हजारों का लोन देते हैं और वो भी बिना किसी कागज पत्र के। बस इसी एक ऑफर के चक्कर में लोग तुरंत इन ऐप के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है परेशानियों का वो अंतहीन सिलसिला जिसके दबाव में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर दिख रही है वो मुंबई के रहने वाले थे, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि ये फांसी पर झूल गए। इनकी असली पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका बदला हुआ नाम सुशील है। सुशील की मौत की वजह बने हैं लोन देने वाले चाइनीज ऐप और उनके रिकवरी एजेंटों की धमकियां। मुंबई के कांदीवली इलाके में रहने वाले 37 साल के सुशील ने चाइनीज इंस्टा लोन ऐप से लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए उनके लिए जानलेवा बन गए। उनके साथ जालसाजी की कहानी उनके भाई ने बताई। 95-99% लोन उसने रीपे कर दिया था, लेकिन लास्ट फ्यू डे बिफोर ही डाइड हर दिन 30 से 40 ट्रांजेक्शन होते थे उनके अकाउंट में, और जो मुझे दिख रहा है वो पैसे का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था, वो लोन का रिक्वेस्ट नहीं हुआ था। जिसका रिक्वेस्ट किया था उनका कन्फर्मेशन आया था कि आपने रिक्वेस्ट किया है, आपका लोन सेंक्शन हुआ है या डिसबर्स हो रहा है। बट ये जो 30-40 ट्रांजेक्शन हुए थे लास्ट कुछ दिनों में, उसका कोई रिक्वेस्ट नहीं था, उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं आया था ये ऐप से भी। खाली पैसे आ रहे थे अकाउंट में, वो भी कैसे कि भाई 4,220 पैसा, 1,330 पैसा। अभी कोई लोन अप्लाई करता है तो पैसे में तो कोई नहीं करता है। चाइनीज ऐप का यह धंधा बहुत पेचीदा और उलझाऊ है। इनके धंधे में जो एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि ऐप से धंधा चलाने वाले कर्जदार का खून चूस लेते हैं। पहले ये ऐप 2 मिनट में हजारों के लोन का ऑफर देते हैं, साथ में लिखते हैं कि किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करने पर कर्ज लेने वाले को ऐप की सभी शर्तें माननी होती हैं। ऐप के जरिए फोन का सारा डेटा जैसे आधार, पैन कार्ड, फोटो, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के कॉन्टेक्ट नंबर सब ले लेते हैं। बाजार भाव से कहीं ऊंचे जैसे 35-40% प्रति हफ्ते ब्याज की दर से लोन देते हैं। 10,000 का लोन लेने पर 7,000 रुपए ही मिलते हैं। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। खास बात यह कि छिपी हुई शर्तों के कारण एक ही हफ्ते में देनदारी कई गुना बढ़ जाती है और पैसा वापस नहीं करने पर धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। मुंबई के सुशील के साथ भी यही हुआ। बिकॉज दे चार्ज अराउंड 30-40% इंटरेस्ट पर वीक। ओके। हाँ, एंड दे स्टार्ट हैरेसिंग यू फ्रॉम फोर्थ डे ऑनवर्ड्स।
सो आपको छोटे दिन से फोन चालू हो जाएंगे, आपको हैरेस करेंगे, आपको परेशान करेंगे, और उनको मालूम है कि आप परेशान हो, और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप ये ऐप से पैसे ले लो और हमको दे दो, हमारी ही ऐप है, ठीक है। सो आपको 5,000 का लोन चुकाने के लिए आपको लोन आना पड़ेगा 8,000 का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले ही काट देते हो 30%। सो इस तरह से आपको पूरा वो लोग ट्रैप करते हैं। और हरेसमेंट चीज़ ऐसी है कि आफ्टर माई ब्रदर डाइड, उसके फ्रेंड्स को जो हरेसमेंट हो रहा था, जो मुझे हरेसमेंट हो रहा था, मुझे मालूम है आई लॉस्ट माई ब्रदर, सो एंड आई एम द ओनली वन हु वांट टेक केयर माई फैमिली, सो आई वॉज लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर, बट माई ब्रदर्स फ्रेंड ही वॉज आई मीन ही इज़ वेरी वीक हार्टेड, उनका दिल बहुत कमजोर है, डरता है, बहुत डरता है। तो पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया कि अभी मैं सोच रहा हूँ सुसाइड करना, बिना पैसे लिए किसी और के लिए हरेसमेंट हो रहा है, वो बंदे सोचा सुसाइड करना, तो आप समझिए कि कितना परेशान किया होगा उस बंदे को भी। वो खुलम खुला बोलते हैं हम आपकी फैमिली को परेशान करेंगे, आपको दोस्तों को परेशान करेंगे, उनको किडनैप करेंगे, उनको मारेंगे, उनको अब्यूज करेंगे। मुंबई के सुशील को कर्ज के जाल में बुरी तरह घेर लिया गया और उनकी मौत के बाद भी उनके भाई को फोन करके धमकियां दी गई। कॉल कब कर रहे क्या, तुम्हारा अम्मी को भी कॉल करो, मैं तुम्हारा अम्मी क्या अगर आप फ्रॉड नहीं हो तो आप अलग अलग नंबर से फोन क्यों करते हो, आपका ऑफिशियल नंबर नहीं है क्या? कभी आप यहाँ से फोन करते हो, कभी वहाँ से फोन करते हो आप, ठीक है? आप देखो अभी रहा हूँ मैं, तू बात करते है, तू बात करते रहे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हमारा कंटी रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग रहता हमारा कंटी, करो ना, करो ना, आपको जो बोलना बोलो, क्या बोलना आप बोलो, जो बोलना आपको मैं सुनता हूँ, आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है, आप वहाँ बोलो, अच्छे से बोलना सब, ठीक है रे, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लो, हाँ रिकॉर्डिंग कर लो, तुम्हारा भाई ने पहले कितने लोन लिया, 3,500 लिया, वो पेमेंट कर दिया, कितनी कंपनियां ऐसी है, अपना पूरा 15 कंपनियां है, 15 कंपनी है आपकी ना, ऐसी 15 कंपनी ने आपको, आपने मेरे भाई को ट्रेस किया पूरा, ठीक है, आपने मिलके मेरे भाई को ट्रेक किया ना, एड्रेस दो, आपका एड्रेस दो, मैं आता हूँ वहाँ पे, एड्रेस दो आपका, एड्रेस लेके क्या करते रहे, मैं आपको पेमेंट देने आता हूँ ना वहाँ पे, डरते क्यों, एड्रेस दो ना, भाई को दो फोन, तुम्हारा भाई को दो, मेरा भाई ने सुसाइड कर लिया है, तू एड्रेस देना भाई। सुशील ने चाइनीज इंस्टा मोबाइल ऐप से ये लोन परेशानी में लिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी रिकवरी एजेंट उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। कुछ खास सहयोगी उस वक्त